सीम्स पिंकिश आउटसाइड। ये मेरे घर के बाहर जो भी कुछ है मेरी सोसाइटी के यहाँ मुझे होता है, और ये जो एरिया देख रहे हैं इसके वजह से यहाँ मच्छर ऊपर जा रहा है, इसमें खिड़की बंद करता हूँ। बट यू कैन सी ये पहाड़ है, तो इसके ऊपर का जो पहाड़ देखा है इट्स जस्ट पिंकिश बिकॉज वहीं से ही सूर्योदय होता है। सो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, दैट साइड इज ईस्ट फॉर अस, एंड बिकॉज ऑफ दैट दैट डिफ्रेक्शन एंड दिस सीम्स पिंकिश एंड रेडिश है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर और अच्छा नज़ारा होगा। चिड़िया तो गिर रखी है यहाँ। It's been nearly 3 months since I joined this job. December, January, February, 3 months complete. एक चीज़ जो यहाँ आके मैंने अभी सीखी है कि अब ये हो गया है, अगर आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है जॉब के साथ साथ, तो वन थिंग इज देयर दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेटली ऑर्गेनाइज। एक बार भी इधर उधर है तो गड़बड़ जा रहा है, मतलब क्योंकि जैसे मैं एक छोटी सी चीज़ एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल एनेक्डोट्स हो गया हम तो ये कि मैं पहले तो चीज़ों को कवर करने से बचता हूँ, जॉब के साथ जो चीज़ें मैं कवर करता हूँ, जॉब में कैसे काम करता हूँ, उन चीज़ों को थोड़ा सा ऑफ द कैमरा ही होती है, मुझे ऑन कैमरा नहीं होती है। बट अब मैं इस टर्म पे आ गया हूँ कि अब मेरे को पता है कि चीज़ें कैसे चल रही है, कैसे चल रही। अब जॉब पर जाता हूँ सुबह से 9 बजे पहुँच गया ऑफिस में, जाके वहाँ पर काम है भी नहीं भी है, तो आप बचते बचाते कभी जैसे काम नहीं तो फ़ोन पर कुछ पढ़ रहे हो या लैपटॉप पर कुछ पढ़ रहे हो, कोई आ जाता है तो फिर आप उसको एकदम से क्लोज करके कुछ और ओपन कर रहे हो, क्योंकि वो चीज़ चल ठीक है चलती रहती है, दैट इज़ अ सेपरेट काइंड ऑफ थिंग। मतलब उसमें तो कुछ नहीं भी होता कभी काम करने का तो बैठ कुछ, बट फिर आपके कॉलिग्स होते हैं आपके साथ, और किसी का कहीं खाने जाने का मन है, कहीं कुछ और करने का मन है, एंड यू वांट टू स्टडी, तो ऐसा हो नहीं पाता। फिर जब तुम घर पर वापस आते हो तो तुम ऑफिस की थकान लेके घर आते हो, वैन यू कम होम एंड उसके साथ तुम्हें सामने दिखे, अरे आज तो दीदी भी नहीं है, आज तो खाना भी खुद बनाना पड़ेगा या कुछ ऐसा करना पड़ेगा बाहर से और करना, सो थकान थोड़ी सी ओवर एड अप हो जाती है। एंड इन दैट लाइक मतलब जब तुम फैमिली से दूर रहते हो तो और ही हो जाता है कि चलो घर पे किसी से फ़ोन पे बात कर ली जाए, वहाँ की कोई बात आपको पता चल जाए कि बस यार ऐसा थोड़ा सा कोई भी इंसान उसमें से एक्स वाई जी कोई भी हो चाहे परेशान है, वो परेशान आपकी और डबल हो जाती है। मीन्स स्टडिंग इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। मैं ये बात मानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कोई बहुत बहुत बड़ा तोप वाला काम नहीं है, कोई भी कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है। जो ये बोलते हैं कि हाँ ये एग्ज़ाम निकाल रखा है उसने, वो एग्ज़ाम निकाल रखा है, वो तो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ऑल अ मैटर ऑफ फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स। मेरे हिसाब से जो चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि पढ़ना ईजी है, ठीक है पढ़ना ईजी है, बट एक कंसिस्टेंसी रखना बहुत डिफ़िकल्ट है, और कंसिस्टेंसी रख के पढ़ाई कर लेना। अब मैं कहता हूँ जैसे मतलब पढ़ना अगर 10% है तो कंसिस्टेंटली पढ़ना 50% डिफिकल्ट चीज़ है, बट कंसिस्टेंटली पढ़ना, अपनी फैमिली को अपने साथ जोड़ के रखना, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना, और फिर उनसे करते करते चीज़ों को आगे लेके चलना, कलीग्स वलीग्स सबके साथ जब भी डिस्कशन होती है उसका पार्ट होना, ये सब करते हुए काम करना, ये 100% डिफिकल्ट टास्क, और 100% कोई नहीं कर पाता एज ह्यूमन बींग। तो इट्स बेटर, मुझे लगता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ चीज़ों से आपको डिल्यूजन है, आपको थोड़ा सा कट ऑफ हो जाना चाहिए, कि कट के अलग से हो जाना चाहिए। जैसे पढ़ाई के लिए अच्छा होता है कि आप फैमिली से थोड़ा दूर हो, समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट फील्स कि वो तब होता है जब आपके पास 10 घंटे घर से, कॉलेज टाइम तुम 10 घंटे घर से दूर होते थे, या मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था तो 2017 के आसपास मैं घर से बाहर रहता था, अच्छा पूरा पूरे दिन मैथ पढ़ता था, मज़ा आता था, ठीक है। अब क्या है कि वो पूरा दिन तो जॉब पर निकल जाता है, तो अब ऐसे टाइम पर फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है कि जब तुम घर पर वापस आ रहे हो, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एन नंबर ऑफ अदर थिंग्स, कपड़े धोने हैं, आपको खाना बनाना है, खाना लाना है, राशन लाना है, राशन का ये सफाई है, ये मेरा ये वो सब चीज़ सबसे बहुत चीज़ों को आप ऐसे देखते हो कि यार घर पे होते तो तुम क्या करते, क्या तुम मतलब तुम्हारे लिए फ्री बैठे सब, इट्स नॉट दैट फ्री, बट एक सपोर्ट होता है कंटिन्यूसली, तो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होती है, ठीक है, वो पॉलिसी हमेशा काम करती है। घर पर मम्मी है, भाई है, छोटा भाई है, बहन है, एंड नाउ तो आई एम गेटिंग मैरिड, तो अब तो फिर बाद में और चीज़ें चेंज हो जाएंगी बहुत सारी, तो एक सपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद देखते हैं उसका एक्सपीरियंस बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल का एक्सपीरियंस है कि व्हेन यू आर ऑन जॉब एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, बिकॉज मैं 2019 के बाद से जॉब पे हूँ,
2019 में मेरी बैंक की जॉब थी, मैं बैंक से 8 बजे घर आया करता था वापस, तो तब तो मैं बिल्कुल दूर हो गया था। लेकिन उस टाइम मैंने इतना मैनेज किया था, आई कुड राइट SSC एग्जाम, क्योंकि मेरी बहुत खासी प्रैक्टिस हो चुकी थी मैथ्स की और इंग्लिश की, तो मैंने इकोनॉमिक्स और पढ़ा उस टाइम पे। आई क्लियर SSC AA एग्जाम, सो अपग्रेडेशन हुआ है वहाँ पे, असिस्टेंट मैनेजर था, यहाँ पे मैं ऑडिट ऑफिसर हूँ, तो ऑब्वियसली चेंज हुआ है। बट अभी जैसे अपग्रेडेशन करना है तो हम सिर्फ 3 चीज़ों का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक है UPSC का, दूसरा है स्टेट PSCs का, और तीसरा है RBI ग्रेड बी का। ऑन जॉब रहते हुए टेक्निकली हम 3 ही दे सकते हैं, इनफॉर्मल वे में तो मैं कोई भी एग्ज़ाम दे दूँ गवर्नमेंट को क्या, ऐसे मेरी पर्सनल चॉइस है, बट ऑफिशियली हम 3 एग्ज़ाम ही लिख सकते हैं। तो अगर मेरे को RBI का एग्ज़ाम लिखना है तो मेरे को इकोनॉमिक्स में बहुत डेप्थ में दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टेट PSCs में किसी भी स्टेट का जो है वो थोड़ा सा और डेप्थ देना पड़ेगा। UPSC का क्या है, काफ़ी आई थिंक 60-70% मैं कवर कर चुका हूँ, तो अब एक बार क्या चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज वे में मेरे को एक 6 महीने 7 महीने की तैयारी चाहिए, सिंपल ऑर्गेनाइज वे में, एंड आई एम वेरी प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि एग्ज़ाम निकल जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेन चीज़ ये होगी कि ऑर्गेनाइज तो चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तुम 2 दिन पढ़ रहे हो, फिर 3 दिन नहीं पढ़ रहे, फिर 2 दिन पढ़ रहे हो, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हो, या तुमने 2 दिन जो पढ़ा था वो उस तरीके से नहीं है, मतलब एक सीक्वेंस क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें नहीं है। क्रक्स इज व्हेन यू आर इन जॉब बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, कुछ भी हो जाए ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे अंदर की, ठीक है। दूसरा, बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट द अदर थिंग्स गोइंग अराउंड यू, एंड थर्ड थिंग इज प्रायोरिटाइज एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। फॉर मी, इफ आई से माई जॉब इज गोइंग ऑन, my priority is my job, because I hail from a family where it is much necessary for a boy to start earning at this age, this is my priority. Second thing is learning to be organized, but third thing is my priority, again third thing is I'm getting married on 22nd of April, I'm looking forward to that, and the fifth thing that is the like uske baad ki jo cheez hai, I'm learning the organization part now so that I can implement just after I get married. And then that organization leads to something in June examination, and then afterwards in the life whatever examination come in my way, because I know one thing, I'm a hard worker, I can study, so utilization dekhte usko kaise ho payega।